नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, अगर हम बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इसे पूछना चाहें तो बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हम पूछ सकते हैं। हम इसे कह सकते हैं कि बायो मॉलिक्यूल्स क्या है, व्हाट इज बायो मॉलिक्यूल्स एक्सप्लेन इन वन पैराग्राफ। तो हमने कहा कि बायो मॉलिक्यूल्स क्या है और इसको सिर्फ वन पैराग्राफ में एक्सप्लेन करके हमें एक छोटा सा डेफिनेशन दे दें, और इस तरह जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप बायो या बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स या किसी भी जो आपका सब्जेक्ट है उसमें आपके पास एमसीक्यूज आते हैं, तो आप एमसीक्यूज का कैसे आंसर निकाल सकते हैं। लेट सपोज आपके पास ये एमसीक्यूज फर्स्ट है, मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पर चैट जीपीटी से पूछता हूँ, प्लीज सेलेक्ट द राइट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। हम यहाँ पर सेमी कॉलन लगा देते हैं और शिफ्ट प्लस इंटर लगा के हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं अपना जो क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको क्वेश्चन हमने लिख दिया, यहाँ पर इसने कहा कि सेटेड विद द वॉल ऑफ सेल, ये तो ये हमारा जो लास्ट वाला जो है वो करेक्ट आंसर है। वो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है और इस मल्टीपल चॉइसेस है, और यहाँ पर इसने कहा कि ये जो इसका राइट आंसर है वो ये है। इसी तरह फर्दर मोर अगर आप आते हैं और यहाँ पर कोई और क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेट सपोज आपने कोई ये क्वेश्चन पूछा और आप ये कहते हैं कि आप यहाँ पर दोबारा अपना प्रॉम्प्ट कॉपी पेस्ट कर देते हैं और सबमिट कर देते हैं, तो जस्ट आउटसाइड द कॉर्टेक्स ये हमारा वेयर इज, तो ये हमारा क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर है वो ये है, जस्ट आउटसाइड द कॉर्टेक्स ये हमारा आंसर रहेगा। तो इसी तरह आप एमसीक्यूज के क्वेश्चंस भी सॉल्व करा सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो।